टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नवपाड़ा पुलिस ने दो शातिर चोर महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो ठाणे, पुणे, कोल्हापुर में चोरी की घटनाओं को बेखौफ अंदाज में अंजाम देती थी। इन दोनों महिलाओं के नाम है आयुषी गुलाब शर्मा 26 साल और संजू रविंद्र गुप्ता 34 साल। दरअसल ये दोनों शातिर महिलाएं 23 फरवरी को ठाणे के रिचेस ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। ज्वेलर्स खरीदने के बहाने से शोरूम में ये दोनों महिलाएं घुसी और 3,57,000 की सोने की बंगड़ी लेकर ये दोनों फरार हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इस चोरी की घटना की शिकायत 24 फरवरी को नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल मांगले व पुलिस निरीक्षक अविनाश चोटकर, डिटेक्शन ब्रांच के निलेश मोरे, विनोद लावडे, साहेबराव पाटिल, सुनील राठौर, संजय चौहान, विकास चढ़चनकर, हरीश तावड़े, प्रशांत निकुम, गोरखनाथ राठौड़ और एसवी मालिक की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। गुप्त जानकारी मिलते ही इन दोनों महिलाओं को मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से चोरी की बंगड़ियां भी बरामद की गई हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। इसके अलावा इन पर कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा राजवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी पहले मामला दर्ज है और पुणे के हटपसर और कोरगांव पुलिस स्टेशन में भी दोनों चोर महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज है। बहरहाल ये अब दोनों चोर शातिर महिलाएं नौपाड़ा पुलिस स्टेशन की गिरफ्त में हैं और आज नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसीपी अविनाश अंबुरे ने इस घटना पर क्या पूरी जानकारी दी है, सुनिए। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रिचेस ज्वेलर्स नाम का एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे 23/2 को दो महिलाएं सोना खरीदी करने के बहाने वहाँ पे चले गए थे और वहाँ से दो सोने की बैंगल्स वहाँ पे उन्होंने चुरा के वहाँ से वो चले गए थे। उसके बाद में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में उसके अंतर्गत हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया था। 26 तारीख को हमारी पूरी पीआई मांगले और उनकी टीम ने इंफॉर्मेशन निकाल के दो महिलाओं को उसमें ताबे में लिया। उनका नाम है आयुषी शर्मा और संजू गुप्ता। इनको हमने मीरा रोड से उनको हमने ताबे में लेके उनके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया। इंट्रोगेशन करने के बाद में ये ऑफेंस में के दोनों बैंगल्स रिकवर किए और साथ ही साथ ओशिवरा पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने ऐसे ही वारदात की थी, उसमें भी उन्होंने दो बैंगल्स वहाँ से चुराए थे, वो भी हमने रिकवर किया है। कुल मिला के 5 लाख के सोने के 4 बैंगल्स हमने अभी तक बरामद किए हैं। इनका बैकग्राउंड अगर हम लोग निकालते हैं तो इन्होंने इसके पहले भी कोल्हापुर, हडपसर ये जगहों पे इन्होंने चोरी की है ऐसा पता चलता है। तो सोना लेने के बहाने वहाँ पे जाते थे और हाथ चलाकी से सोने के बैंगल्स या जो भी सोने का ज्वेलरी है वो वहाँ से चुरा के वो लोग भाग जाते थे। हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी वहाँ से मिला है। उसके तहत ये प्रॉपर कानपुर के है बट अभी रहने को मीरा रोड में। 5 लाख का मुद्देमाल और 4 बैंगल्स हमने अभी तक इसमें रिकॉर्ड किया।